हाय फ्रेंड्स, मैं हूं दिलौर और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी फॉर करियर यूट्यूब चैनल, जिसमें हर तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए शॉर्टकट टिप्स और ट्रिक्स लेके मैं आता रहता हूं। इस वीडियो में आपसे बात करेंगे लिंकअप के ऊपर, जू वाला क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से कैसे सॉल्व कर पाएंगे। और दोस्तों, लिंकअप के ऊपर ये वीडियो मेरा पार्ट थर्ड है। इससे पहले अगर आप पार्ट वन पार्ट टू नहीं देखें तो उसको जाके आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए एट फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कि इन ए जू देयर आर रैबिट्स एंड पिजन्स, इफ हेड्स आर काउंटेड दे आर 200 एंड इफ लेग्स आर काउंटेड दे आर 580। एंड क्वेश्चन में है दे हाउ मैनी पिजन्स आर देयर। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी जू में रैबिट्स और पिजन्स रहते हैं, तो उसमें से अगर सबका हेड काउंटेड किया जाए तो 200 होता है, और सबका अगर लेग्स काउंटेड किया जाए तो 580 होता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाउ मैनी पिजन्स आर देयर, वहाँ पर कितना पिजन्स है। तो दोस्तों, इस टाइप क्वेश्चन को आप लिंकअप के माध्यम से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए रैबिट्स हैं और पिजन्स हैं, तो उन सब का हेड काउंटेड किया जाए तो 200, मतलब कि यहाँ पर रैबिट्स प्लस पिजन्स इक्वल टू लिख सकते हो 200, क्योंकि दोनों मिला के 200 है। अब दोस्तों, यहाँ पर लेग्स दिया हुआ है, सबका लेग्स अगर काउंटेड किया जाए तो 580। देखिए यहाँ पर रैबिट्स का जो लेग है वो 2 है, एक रैबिट्स का फोर लेग है, और पिजन्स का, एक पिजन्स का 2 लेग्स हैं। तो चलिए लिंक अप के माध्यम से इसको देखते हैं। रैबिट्स पिजन्स, तो देखिए मान लीजिए 200 टोटल रैबिट्स एंड पिजन्स 200 है, तो मान लीजिए सभी जो है वो सभी रैबिट्स हैं। मान लीजिए 200 ही टोटल ही रैबिट्स हैं, तो कितना लेग होगा, एक रैबिट्स का 4 लेग है, तो यहाँ पर 4 इंटू 200 यहाँ पर 800 होगा, 800 टोटल लेग्स, तो 800 लिख लीजिए। उसके बाद पिजन्स का, एक पिजन्स का 2 लेग्स है, तो अगर मान लीजिए 200 टोटल पिजन्स जो है वो 200 है, 200 इंटू 2 करेंगे तो 400 होगा, तो 400 पिजन्स का लेग। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए ओरिजिनल जो लेग्स है पिजन्स और रैबिट्स और पिजन्स का वो 580 है। अब दोस्तों, इसको आप लिंकअप के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 800 माइनस 580 करेंगे तो यहाँ पर 0, 2 एंड 2 आएगा, 220, एंड 580 से 400 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 180। तो यहाँ पर देखिए रैबिट्स एंड पिजन्स का जो रेशियो निकल के आता है 180:220, तो इसको 0, 0 काट सकते हैं, और यहाँ पर 2:9:11 आएगा, जो इसका रैबिट्स और पिजन्स का रेशियो आएगा वो 9:11। अब दोस्तों देखिए रैबिट्स एंड पिजन्स मिला के टोटल जो है वो 200 है, और उसका जो रेशियो है वो 9:11, तो यहाँ पर निकालने के लिए क्या दिया है कि पिजन्स कितना है, तो पिजन्स यहाँ पर देखिए 11, तो 11 को ऊपर में रखिए, एंड 9 प्लस 11 इंटू 200 कर दीजिए, क्योंकि 200 रैबिट्स एंड प्लस पिजन्स इज इक्वल टू 200 इंटू 200 कर दीजिए, तो 11 अपॉन यहाँ पर 9 प्लस 11 20 एंड 200, 0, 0 कैंसिल, 2 इंटू 10 20, यहाँ पर देखिए 1 10, तो ये आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए टोटल जो पिजन्स होगा वो 110, तो ये आपका आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन बी में देखिए 110 है, तो यही आपका आंसर होगा। इसके बाद चलिए जू वाला और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर रैबिट्स अगर निकालने के लिए कहा जाए तो आपका आंसर होगा वो याद इधर लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए 9:11 है, तो 9 ऊपर में रखिए, और 9 प्लस 11 इंटू 200, तो यहाँ पर 9 अपॉन 20 इंटू 200
पर 0 0 कैंसिल, 2 × 10 = 20 एंड 9 × 10 = 90। तो यहाँ पर जो टोटल रैबिट्स होगा 90। तो ऑप्शन ए में उसका आंसर हो सकता था। इसके बाद चलिए जू वाला और एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ले लिया, तो क्वेश्चन में देखते हैं, इन ए जू देयर आर रैबिट्स एंड पिजन्स, रैबिट्स एंड पिजन्स सेम है, इफ हेड्स आर काउंटेड दे आर 90। मतलब कि रैबिट्स एंड पिजन्स मिला के, रैबिट्स प्लस पिजन्स आप लिख सकते हैं इक्वल टू 90, एंड इफ लेग्स आर काउंटेड दे आर 224। तो चलिए इसका रैबिट्स एंड पिजन्स का पहले रेशियो निकाल लेते हैं, रैबिट्स एंड पिजन्स का। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए टोटल जो 90 रैबिट्स एंड पिजन्स 90 है, मान लीजिए टोटल अगर रैबिट्स होगा तो कितना पैर होगा, रैबिट्स का लेग होगा। तो देखिए 90 × 4 करेंगे तो आएगा 90 × 4 360, तो 360 लिख लीजिए। और उसके बाद मान लीजिए अगर टोटल पिजन्स होगा तो कितना होगा, 90 × 2 = 180 लिख लीजिए। उसके बाद देखिए आप टोटल जो ऑरिजिनली लेग है वो कितना है, 224, तो 224 मिडिल में लिख लीजिए। अब दोस्तों इसका रेशियो निकाल लीजिए लिंक आपके माध्यम से। यहाँ पर आप 360 से 224 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 6 233 एंड यहाँ पर 136 एंड 224 से 180 माइनस करेंगे तो 20 or 24 44। तो यहाँ पर आपका रैबिट्स एंड पिजन्स का जो रेशियो आएगा 44:136, तो इससे आपका आ जाएगा 11:34। तब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में है कि हाउ मेनी रैबिट्स आर देयर, तो रैबिट्स एंड पिजन्स का रेशियो 11:34, तो रैबिट्स निकालना है। तो रैबिट्स यहाँ पर कितना होगा, रैबिट्स इक्वल टू 11 upon 11 plus 34 into यहाँ पर 90 है तो 90 लिख लीजिए। अब दोस्तों देखिए 11 upon 11 plus 34 = 45 into 90, तो 2 × 45 = 90 2 × 11 = 22। तो यहाँ पर आपका टोटल जो रैबिट होगा वो 22, तो ये आपका आंसर होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अगर आप ऊपर में 34 करेंगे तो उस कंडीशन में आपका जो आंसर आएगा पिजन्स का, इससे भी आप निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जू वाला क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आपको तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर आप स्मार्ट स्टडी फॉर करियर का सब्सक्राइबर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइबर हो जाइए और मेरे साथ स्मार्टली स्टडी कीजिए।